पेपर लीक पर यूपी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसमें पेपर लीक में शामिल दोषियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान होगा। ये बड़ी जानकारी रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणवीर माफ कीजिएगा, ये बताइए जरा, एक तरफ जहां नीट और नेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, नेट का एग्जाम 24 घंटे के बाद यहां पे रद्द किया जाता है, इसी बीच ये जो फैसला यहां पे यूपी से सामने आया है, बहुत बड़ी राहत है कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फैसला है। फैसला क्या है पहले वो बता देता हूँ। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में ये प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो पेपर लीक से इनको रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। चूंकि विधानसभा का सत्र 1 महीने या 1.25 महीने बाद शुरू होगा, इसलिए सरकार ने बिल ना ला करके अध्यादेश लाने का फैसला किया और इस अध्यादेश में जो प्रस्ताव आएंगे वो ये होंगे कि पेपर लीक में शामिल लोग या कोई संस्था अगर दोषी पाई जाती है तो उसको 2 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। और पेपर अगर लीक हुआ और पेपर लीक होने की वजह से पेपर को रद्द किया गया तो उस दशा में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी इन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा जो इस पूरे मामले में दोषी साबित होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे CA NRC को लेकर के जब तमाम शहरों में विवाद हुआ था, कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी और सरकार ने फैसला किया था कि क्षतिपूर्ति कानून लेकर आएंगे। ठीक उसी क्षतिपूर्ति कानून की तरह से इस बार जो पेपर लीक में शामिल लोग दोषी पाए जाएंगे उनसे ही नुकसान की भरपाई करने का भी जो प्रस्ताव है वो इस अध्यादेश में शामिल होगा। संभव है बहुत जल्द एक बैठक बुलाई जाएगी कैबिनेट की और उस कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाई जाएगी। और आपने कहा नीट और नेट की जो परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 2 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें एक पुलिस भर्ती है जिसमें 60,244 पदों के लिए भर्ती होनी थी, पेपर लीक हुआ और वो परीक्षा रद्द करके 6 महीने में परीक्षा कराने की बात सरकार ने कही थी। और दूसरी परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO AR की परीक्षा थी जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे, जांच कराई गई, जांच सही पाए गए तो पेपर को रद्द किया गया। और पुलिस भर्ती और RO AR दोनों परीक्षाओं की जांच STF को दी गई थी जिसमें अलग अलग जगहों से तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो IPC के तहत होती है। राज्य सरकार इस तरह के मामलों में खास तौर पे बड़ा कानून लाने के लिए जिसमें कड़े प्रावधान हो, उस आज बैठक में वो फैसला हुआ है कि एक अध्यादेश लाया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से और उसमें प्रस्ताव होगा कि 2 साल मिनिमम और आजीवन कारावास मैक्सिमम जो सज़ा होगी वो उनके क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो होता है उसके तहत हो सकता है और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और क्षतिपूर्ति भी ली जाएगी अगर पेपर लीक की वजह से जो पेपर रद्द हुआ उसमें जो भी खर्चा आएगा। यानी कि सरकार बिल्कुल अब सख्त है और ये तय कर चुकी है कि पेपर लीक से जुड़े लोगों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के वाकये रुकने वाले नहीं हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है योगी आदित्यनाथ सरकार का और आज की कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आया है और अध्यादेश बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, रणवीर ये बताइए जरा, अध्यादेश लाने के बाद और कानून की शक्ल में इस पूरे बिल को आने में कितना समय लगेगा? देखिए, अध्यादेश और जो बिल होता है उसमें पहले फ़र्क बता दूं। अध्यादेश वो होता है जिसको सरकार अगर कोई कानून तत्काल प्रभाव से लागू कराना चाहती हो तो वो उस दशा में अध्यादेश लाती है और जब सेशन चलता है तो उसी अध्यादेश को राज्य के सदन में पेश किया जाता है, यानी कि सदन में पेश किया जाता है और फिर सदन उसको मंजूरी देती है और तब वो फिर बिल बनता है। लेकिन अध्यादेश में सीधा फायदा ये होता है कि सरकार जैसे ही अध्यादेश को पास करती है उसको लागू मान लिया जाता है, यानी कि अध्यादेश ला करके कानून लागू कराया जाएगा और फिर सदन से पास करा करके उसको कानून बनाया जाएगा। यानी कि जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई और ये प्रस्ताव अध्यादेश के तौर पे पास हुआ उस दिन से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की शामत आनी शुरू हो जाएगी। फिर जब सदन शुरू होगा तब दोनों सदनों में विधानसभा में विधान परिषद में इसको पास कराया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसमें एक खतरा ये होता है कि अगर ये कानून सदन में गिर जाता है तो सरकार पर आफत आ जाती है, लेकिन योगी सरकार इस वक्त इस मेजॉरिटी में है कि वो आराम से कोई भी प्रस्ताव पास कर सकती है। और ये जो कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर है, जाहिर है इसमें न सिर्फ सरकार बल्कि संभव है कि विपक्ष भी सहमति देगा, क्योंकि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लोकसभा चुनाव में भी उठाता रहा और चुनाव के बाद भी। तो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब ये कि सरकार इस
कानून को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और इसलिए जब भी बैठक होगी और बैठक में ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, पास किया जाएगा, तभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर के जो ये कड़ा कानून होगा वो लागू मान लिया जाएगा और फिर जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस सत्र में इसको सरकार पास कराएगी। यानी कि जो भी लोग पेपर लीक में शामिल हैं, चाहे वो अभी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, ये कानून लाया जा रहा है, जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, क्योंकि यूपी जो है कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, एक नजीर यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सेट किया है, तो उम्मीद करते हैं कि नकल माफियाओं के खिलाफ भी जो ये कानून अब सरकार लाने जा रही है एक नजीर पेश हो पूरे देश के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, योगी सरकार ने इससे पहले भी कई ऐसे कड़े कानून लाए हैं। जब CANRC का जो मैंने जिक्र किया, CANRC की घटना जब हुई तो उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन शहरों में धरना प्रदर्शन हुआ, विवाद हुआ और सरकार ने कहा कि जितना भी नुकसान दंगा करने वालों ने किया है उस पूरे नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से होगी और इसलिए क्षतिपूर्ति कानून लेकर आई थी राज्य सरकार और जो भी लोग इसमें दोषी पाए गए थे, जिनकी तस्वीरें चौराहों पर लगी थी, उनको नोटिस दिया गया, उनसे भरपाई करने की कोशिश हुई, तमाम गिरफ्तारियाँ हुई थी। लेकिन इस बार जो पेपर लीक का मामला है, चाहे पुलिस भर्ती हो या RO की पेपर लीक, इसमें छात्रों को परेशानी हुई। आप यकीन मानिए, पुलिस भर्ती के लिए 60,244 पद थे और 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमाम राज्यों से छात्र आए थे, बसों में भर कर, ट्रेनों में भर कर। और जब पेपर लीक की बात सोशल मीडिया पे लीक हुई, फिर मीडिया ने खबरें चलानी शुरू हुई की, तो सरकार ने जाँच कराई और जाँच में पाया कि पेपर शुरू होने से पहले ही लोगों के पास पेपर थे। ऐसे में ये कानून बहुत ज़रूरी था, चूँकि बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था और उसमें आचार संहिता की वजह से कोई बड़ा फैसला राज्य सरकार नहीं ले सकती थी, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें तय हुआ है कि हम विधानसभा के सत्र का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसको अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाएंगे और ऑर्डिनेंस में इसको कैबिनेट से मंजूरी दिला करके जो कानून होगा उसको हम लागू करवा देंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब भी 6 महीने का चूँकि सरकार ने समय दिया था दोनों ही परीक्षाओं को फिर से कराने का, पुलिस भर्ती और RO दोनों, तो अब 6 महीने का जो समय है वो पूरा होने वाला है और सरकार बहुत जल्द परीक्षा कराने वाली है, यानी वो परीक्षा जब हो तब ये कानून यूपी में लागू हो सके, तब तक कोई ऐसा पेपर लीक ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि विधानसभा के सत्र का इंतजार करके सरकार ये प्रस्ताव सदन में ला करके कानून नहीं बनाएगी, बल्कि जो जल्दी का रास्ता है ऑर्डिनेंस लाने का, वो अध्यादेश लाएगी, अध्यादेश के जरिए इस कानून को पास कराएगी और तभी पुलिस और RO की जो परीक्षा तो उसको दोबारा कराया जाएगा। यानी कि जो छात्र स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर लीक हुए थे, जो काफी परेशान थे, उनका मनोबल कहीं ना कहीं अध्यादेश जो है बढ़ा रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।